on Friendship Day, which is tomorrow, Sunday. So we are going to launch that song today. Actually, we are exploding it right now. She is, as you know, Tarannum, playback singer. Then we have Abhinay. He is a music composer. Tarannum, one of the famous songs, Saiyaara, you all must have heard. Saiyaara from Etha Tiger. Then we have Sumedha. Her recent famous song was from Bareli Ki Barfi to Nazm Nazm Sa Mere. And she is my dear friend, Jitu Vadhwa. You must have seen her in television, so many shows, and Vampini, you know? Okay, I'm Saurabh and I look after the work for Tarannum. So we have an artist management company where we do all this work, whatever we have done. And yeah, that's it. We support all of you and that's it. या डिफरेंट थॉट आता है क्योंकि मैं सोचती हूँ कि हर फेस्टिवल हर ओकेजन मुझे सेलिब्रेट गानों के साथ म्यूजिक के साथ करना चाहिए. सो दिस टाइम जैसे मैंने लास्ट अभी दो महीने पहले मैंने मदर्स डे पे करा था मेरी माँ, और इस टाइम क्योंकि फ्रेंडशिप डे कल है सो वी आर ब्रिंगिंग इन द क्या कहते हैं फ्रेंडशिप डे फ्रेंडशिप फेस्टिव. सो ये क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे जो को म्यूजिक डायरेक्टर हैं अभिनय जैन, उनके साथ सिर्फ ऐसी बात चल रही थी कि लेट्स डू इट फॉर फ्रेंडशिप डे, क्योंकि बहुत गाने आए हैं बट एक पेपी सॉन्ग मैंने शायद मेरे दिमाग में नहीं आता है. बट दिस इसीलिए मैंने ये सोचा कि हम लोग चार सिंगर्स को कोलैबोरेट करके करते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक सो आजकल सिंगर्स को एक दूसरे से कोलैबोरेशन में शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है कि लाइक वो ज़्यादा अच्छा गा रही है, वो ज़्यादा अच्छा अब उसको हाइप मिल रही है. आई थिंक अगर आप टैलेंटेड हो एंड कोलैबोरेट करते हो, आई थिंक वो वेटेज इक्वली मिलती है. सो दैट वे आई इंक्लूडेड सुमेधा, रवि, अभिनय. So this is the way we just planned out our song. Iske screenplay play ke bare mein aapne kaise decide kiya, kaise play karna chahiye? Actually Abhinay ne kuch lyrics likhe the
बट मुझे इतना पता था कि मुझे ये वीडियो बहुत फनी बनानी है. मुझे वीडियो में सिर्फ क्लब दिखाना है या आउटडोर्स दिखाने हैं, क्योंकि मतलब एक स्टोरी भी है, क्योंकि यहाँ पे गैग्स चल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कॉलेज लाइफ दिख रहा है, यहाँ पे क्लब्स चल रहे हैं, यहाँ पे ड्रिंक्स चल रहे हैं, सब कुछ है. बट हम लोगों का मतलब बहुत वीडियोज़ में हम लोग गैग्स नहीं देख पाते हैं. सो लाइक वी जस्ट थॉट कि इसको गैग्स को हम लोग किस तरह से इनकॉर्पोरेट करें. सो दैट वे दर्श जो हमारे डायरेक्टर हैं एंड ही जस्ट थॉट ऑफ दिस आइडिया कि नहीं हम लोग कुछ गैग्स लेकर आते हैं, देन हम लोग कुछ पार्टीज दिखाते हैं एंड देन हम लोग डांसर्स लेकर आते हैं. सो एक बड़ी टीम बनी है हमारे साथ एंड दिस इज द वे वी इनकॉर्पोरेटेड आवर पूरा सॉन्ग. और आगे क्या प्लानिंग है, आप किस तरह के गाने और करना चाहेंगे? जो मुझे मिल जाए यार. मतलब मैं क्या डिसाइड करूं कि ये गाना गाओ या वो गाना गाओ. हर ओकेजन पे एक गाना बनाओ, हर ओकेजन पे हम कोलैबोरेट करेंगे. सो इट्स लाइक आई मीन हम लोग जब भी मूवीज में भी गाते हैं तो हम लोग ऐसा मतलब जैसे म्यूजिक डायरेक्टर के अकॉर्डिंग गाते हैं. एंड इस वाले में था कि मुझे मैं सुमेधा चाहे रवि हो चाहे अभिनय हो या मैं, इट वॉज अ खुली छूट जिसको कहते हैं. इट वॉज I just told them this is your baby, you do whatever you can do, do the justice, sing the way you want to sing. It was totally open for them. So that yeah, way. Actually independent music itna zyada abhi bhi India mein nahi hype ho raha hai. So but it's nice that composers like Abhinay and Tarannum, they are composing these songs and we are collaborating with them, and especially a female composer. So that's like Sone Pe Suhaga, and we had fun shooting this song, recording this song. I actually troubled them a lot. Aaj ki date khali hai, uski date khali hai, aisi date khali. Sorry. So before you stop this, I really want to include my co-music director, Abhinay Jain. Please join us. Yay! Hello. So this song is under the label of Abhinay Entertainment, and which is like he's the owner of the company and co-music director. Yeah. So he's also acted well. Oh yes, he's a chomu by the way. मतलब अब चुमू होना कितना अच्छा लगता है कैसे बताऊं मैं. ट्रस्ट मी, मुझे इतने सारे कॉल्स आए, इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि हम एक्चुअली सबसे ज्यादा चारों कैरेक्टर्स में से चुमू आए. आई थिंक नीतू, जब नीतू आती है उसके सामने ये जब डांस करते हैं तो इट्स लाइक क्रेजी थिंग. सो आई थिंक नीतू इज आल्सो इट. अभिनय इज सेइंग समथिंग. मैं इनके इर्द गिर्द डांस करता हूं वीडियो में और लाइक फन, बहुत बहुत मजा है पूरे वीडियो करने में. मेरे ख्याल से हाय नीतू, मेरे ख्याल से वो वीडियो अगर आप पॉज करके देखेंगे तो वो सबसे बेस्ट सीन है. मुझे पता है कि हमने एक्टिंग की है, ऑफ कोर्स हमको पता है, बट मुझे वीडियो देख के सबसे ज़्यादा हंसी उसी सीन पे आती है जब ये मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. और इन्होंने सनी देओल, धर्मेंद्र, जितेंद्र, आप कितने भी एक्टर्स का नाम ले लें, उन्होंने सब मेरे सामने दिखा दिए. आई कैन नॉट फॉरगेट वन नेम, मिथुन चक्रवर्ती. बट मैं आपके डांस का वेट कर रही थी, आपने सारे पुराने एक्टर्स दिखा. आई थिंक वी शुड स्टार्ट आवर डांस नाउ, इजंट इट? We can play the song. क्योंकि ये दोस्ती के ऊपर वीडियो बनाई है और दोस्ती देखने को मिलेगी अभी सबके दिलों में और दिमाग में है मुझे लगता है कि. So the song has already been exploded. So let's celebrate friendship day with dubstep में साली. Dubstep में साली. Dubstep में साली. Thank you. Bye friendship band. मैं बोला कि मसल्स भी दिखा रही हूँ. नहीं, actually क्या है, इससे दोनों काम हो रहे हैं. मैं अपनी मसल्स भी दिखा रही हूँ और फ्रेंडशिप बैंड. ओके, थैंक यू. स्टेप इज वेरी डिफिकल्ट टू डू इट. नो, एनीवेज, थैंक यू सो मच. थैंक यू.